ऊंची उड़ान ने खूब बरपा किया महंगाई का तूफान। सात दिनों में डॉलर ने 1 रुपए 31 पैसे की छलांग लगाई। एक हफ्ते में डॉलर 175.46 से महंगा होकर 176.77 रुपए पर जा पहुंचा। महंगाई के शराब में रोज बरोज इजाफा। पीपल्स पार्टी रहनुमा डॉक्टर जावेद सदीकी का महंगाई के खिलाफ शदीद रद्दमल। हुकूमती पॉलिसीज को खूब आड़े हाथों लिया। कहा कि IMF मुआहिदों से गरीब मजीद परेशान होगा। पीपल्स पार्टी ही आवाम को रिलीफ दे सकती है। मियांवाले के ठेकेदार करने लगे मजदूरों को खार। 2 सैकड़े रेत का टैक्स 1100 से बढ़कर 3300 रुपए पर पहुंच गया। रेत पर सरकारी टैक्स से दोगुना ज्यादा वसूल करने लगे। ट्रैक्टर ट्रॉली मजदूरों का एहतजाज। हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। डेरा गाजी खान की बनसुबाई रोड घर की हालत इंतजार। घंटों ट्रैफिक जाम से शहरी ख्वार। कोयटा रोड घर पर गाड़ियां खराब और टायर्स फट जाना मामूल। इंतजामी और अफसरान की हटदर्मी नाकाबिले कबूल। सड़क की हालत इंतजार ने करोड़ों मालियत की गाड़ियों को खटारा बना डाला। ड्राइवर्स का अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा। बिहारी के चोरों ने बाने पाकिस्तान। कायद आजम मोहम्मद अली जना को भी न बख्शा। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के लॉन में नस्ब कायद आजम के मुजस्मे से ऐनक चोरी कर ली गई। जदीद कैमरे और फूल प्रूफ सिक्योरिटी भी नाकारा कर डाली। अहम सरकारी दफ्तर के सिक्योरिटी इंतजाम पर सवाल उठने लगे। सेक्रेटरी कानून और सेक्रेटरी होम जनूबी पंजाब सेक्रेटरी दोनों से महरूम। एडिशनल सेक्रेटरी INC कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर की रोहित से गुफ्तगू। कहा कि 2 सेक्रेटरीज की खाली असामियों पर भर्ती का अमल जल्द मुकम्मल कर दिया जाएगा। नाजरा कुरान तालीम के हुकूमती अहकाम पर अमल दरामद न हो सका। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने भी बोगस क्वाइफ अदालत में पेश किए। जजेस और खसूसी टीमों की इंस्पेक्शन ने झूठ का पोल खोल दिया। मुशाहिदाती टीमों का कुरानी तालीमात पर तहफुजात का इजहार। मॉनिटरिंग विंग की अहकाम पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। लिस्टर यूनिवर्सिटी के 300 किलोवाट सोलर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। सुबह वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक ने मंसूबे का इफ्तिताह किया। अगले 20 दिनों में प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की यकीन दहानी दे दी। क्रशिंग सीजन को कामयाब करने का आजम। कमिश्नर डेरा गाजी खान जिशान जावेद की जेर सदारत इजलास हुआ। 4 शहराओं की तामीर तौसी और बहाली के लिए 6 करोड़ से ज्यादा मंजूर। शहरियों की सेहत के साथ जो करेगा खिलवाड़। मुल्तान इंतजामिया नहीं चलने देगी उसका कारोबार। गैर मयारी अशिया की फरोख पर 7 कंपनीज को 3.5 लाख का जुर्माना। किबला दुरुस्त न करने पर ब्लैक लिस्ट करने की वार्निंग दे दी। एड्स के आलमी दिन के हवाले से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की तरफ से सेमिनार। डॉक्टर्स और इंसानी हकूक की तंजीमों के कारकुनान की शिरकत। HIV पॉजिटिव के मरीजों की हौसला अफजाई की गई और इलाज से मुतालिक मालूमात फराहम की गई। कोट अद्दो की बेहंगुम ट्रैफिक शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। GT रोड थाना चौक समेत दीगर शहराओं पर गाड़ियों की लंबी कतारें। ट्रैफिक जाम रहने से शहरियों को मुश्किल का सामना। बहावलपुर से तजावजात को जड़ से उखाड़ने का आजम। मेयर बहावलपुर अकील नजम हाशमी और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की मुश्तरका काविश। तजावजात के खात्मे के लिए जाम में प्लान तैयार। रेलगाड़ी का पहिया वक्त की पाबंदी से आ रही मंजिल पर वक्त से पहुंचने के ख्वाहिशमंद मुसाफिरों को होने लगी ख्वारी। मुल्तान आने वाले मुतादे ट्रेनें ताखिर का शिकार। देर से आने वाली रेलगाड़ियों में खैबर मेल कराची जिक्रिया मिल्लत तेजग्राम अवामी शालीमार और कराक्रम एक्सप्रेस शामिल। बहावलपुर में ताजरों और उल्मा का अमन के फरोग पर इत्तफाक हो गया। DPO फैसल कामरान की जेर सदारत इजलास हुआ। अमन कमेटी अंजुमन ताजरान के सदर हाफिज यूनस समेत दीगर ताजरों की शिरकत। दशरथ बाग के सालाना इंतखाबात में हिस्सा कौन लेगा। पंजाब बाग ने वकला के लिए जाब्ता इखलाक जारी कर दिया। उम्मीदवार के लिए प्रैक्टिसिंग लॉयर्स की शर्त जरूरी करार। मरासला जारी।
हाईकोर्ट बार मुल्तान के जरिए तमाम वकला के लिए फ्री मेडिकल कैंप, मेडिकल चेकअप, शुगर, ब्लड प्रेशर और दीगर टेस्ट किए गए। उधर मियांवाले की खवातीन वकला के लिए खुशखबरी, जिला कचहरी में लेडीज बार रूम बना दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मियां उस्मान अली ने इफ्तिताह किया। शेख जैद मेडिकल कॉलेज रहीमिया खान में डेंगू के बारे में आगाही सेमिनार, डेंगू के तशखीस और इलाज के बारे में डॉक्टर और पैरामेडिक्स को आगाही दी गई। खवातीन पर तशद्दुद के बढ़ते वाकयात, रहीमिया खान में अफवाह लेडीज क्लब के जेर तमाम आगाही सेमिनार। खवातीन पर तशद्दुद के वाकयात पर ऑरेंज रंग को नुमाया किया गया। सूबाई जनरल सेक्रेटरी खवातीन विंग पीटीआई निगत महमूद ने कहा, हुकूमत खवातीन पर तशद्दुद के वाकयात रोकने के लिए खसूसी इकदाम कर रही है। शेख उस्सलाम हजरत शाहरुखन आलम के उर्स की तैयारियां जारी, 708वां उर्स 10 दिसंबर से शुरू होगा। दरबार की ताजीम आराइश का काम मुकम्मल। खुशहाल जिंदगी गुजारना है तो बनना पड़ेगा खुश खुराक। इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर में गजाई किल्लत की कमी के हवाले से ऑल पाकिस्तान न्यूट्रिशनिस्ट कन्वेंशन का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के तलबा की शिरकत। प्रोफेसर डॉक्टर शुएब कहते हैं कि गजा अच्छी रखी जाए तो इंसान लंबी जिंदगी गुजार सकता है। और 3 फुट कद के दुल्हे को 3.5 फुट कद की दुल्हनिया मिल गई। बहावलनगर में 3 फुट के दुल्हा के ख्वाब हकीकत बन गए। शादी पर दुल्हा जावेद के भंगड़े, अजीजो अकार्ब खुशी से निहाल, दुल्हनिया के भी बारे न्यारे। शादी के बंधन में बंधने पर नौबिहाता जोड़े की खुशी दी थी। डिप्टी कमिश्नर का पस्ता का जोड़े को हनीमून के लिए मरी बेचने का ऐलान। एक हफ्ते के कयाम और ताहयात मेडिकल अखराजात बर्दाश्त करने की नबी भी सुना दी।